Oh पतेव्रतं चरिषामि तच्छकेयं तन्मेराध्यता इदमहमन्रितात्स त्यमुपैमी ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा तमसोमाज्योतिर्गमय त्योर्ममृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु म ॐ शांति 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 ओम श्री नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम तो हम दर्शन के सूत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे थे यहाँ पर पाठ का विचार ये हो रहा था कि हम सब अपने निज सुख से शाश्वत सुख से कैसे अलग हो गए और अब उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो बीच में कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे स्वरूप को जानने में हमें बीच में बाधा दे रही हैं नहीं जानने दे रही हैं वो कौन सी बाधाएं हैं और उनको कैसे अलग करें ये विचार इस पाठ में किया जा रहा है तो तनाव के लक्षण बताए थे अपने से दूर जो अपना स्वरूप है उसके लक्षण बताए थे और उसमें जो बाधाएं हैं वो दस बाधाओं के ऊपर हमने चर्चा की व्याधि एक बाधा है स्त्यान संचय, प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और दुख और दुख के बाद आज हम चर्चा करेंगे दोन अंग मेजयत्व और श्वास प्रश्वास ये जो चार हैं ये उनके साथ ही रहते हैं यदि वो नौ प्रकार के अंतराय नहीं होंगे तो ये चार भी नहीं रहेंगे दुख तीन प्रकार के बताए थे भौतिक, आधिभौतिक दैविक, आध्यात्मिक और इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति के पास होते हैं भौतिक, जो अपने से ही जुड़े हुए हैं तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण कौन है हम स्वयं ही हैं। ये बड़ी विचित्र बात है हम सुख चाहते हैं और सबसे बड़ा अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं तो इतना हमने पढ़ा था तो पीछे के पार्ट से आपको कुछ पूछना है किसी का कोई प्रश्न है क्या हाँ रश्मि जी नमस्ते प्रणाम बहन प्रणाम बहन दीदी जी कल जैसे आपने बताया था कि आग्रह बुद्धि नहीं होनी चाहिए जी

तो भी हम उसको छोड़ते नहीं है एक ऐसा संस्कार बन गया दूसरे लोग कहते हैं कि आप ठीक नहीं है बोले हाँ ठीक है मैं ठीक नहीं और मेरे को ठीक नहीं होना है व्यक्ति जानते हुए भी क्योंकि देखो इतना सतवृत्ति के प्रति तो आग्रह बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप परम पूज्य गुरुदेव को सुनना चाहते हैं या अन्य किसी संत महात्मा को सुनना चाहते हैं या कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये स्वाभाविक है कि दूसरा व्यक्ति उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे से दूर जा रहा है जो हमने इसमें पढ़े थे ना ये नौ अंतराय तो ये तो नो ही अंतराय है केवल ऐसा नहीं है इसके अतिरिक्त भी और कई सारे अंतराय हैं तो उनमें से एक अंतराय ये भी है भय भय भी तो एक बाधा है ना तो उन व्यक्तियों को ये डर लगता है कि भाई ये इनको सुनते सुनते और कहीं हमारे से दूर तो नहीं जा रही है और हमें कम ये अटेंशन दे रही हैं और किसी दूसरे को ज्यादा अटेंशन दे रही हैं तो व्यक्ति के मन में ये स्वाभाविक उसको भय होगा जिस चीज को व्यक्ति प्रेम करता है उसको अपने पास पकड़ के रखना चाहता है ये बाधा आएगी इसी को इसमें कहा परिग्रह नाम का दोष पांच क्लेश है ना जो अविद्या राग अभिनिवेश तो वहां पर परिग्रह करना उसको एक दोष माना गया है एक क्लेश माना गया चीजों को पकड़ के रखना और हम सब उस चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जब कहीं हमें यह लगता है कि ये कहीं मेरी उस प्रिय वस्तु में कोई दूसरा बाधक बन रहा है तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है और ये सब मनुष्यों की बात है केवल आपकी नहीं है केवल मेरी भी नहीं है केवल आपके संबंधियों की भी नहीं है लेकिन मुझे ये प्रसन्नता है कि आप इतनी सूक्ष्म बातों को पकड़ती हैं ये बहुत अच्छी बात है <laughs> तो हम भी ऐसे ही करते हैं अब हमारे को जो अच्छा लगता है हमें शास्त्रों के वचन अच्छे लगते हैं संतों के वचन अच्छे लगते हैं गुरुजनों की बातें अच्छी लगती हैं क्यों लगती हैं? क्योंकि हमने पिछले जन्म में इसी प्रकार की उन्नति कर ली है और अब हमें उनसे हो गया राग लेकिन इसको राग अच्छे वाला राग कहेंगे ये क्लिष्ट नहीं है ये अक्लिष्ट है हमारा कल्याण करने वाला है राग तो है और उस राग में जो कोई बाधा दे रहा है हमें उसके प्रति द्वेष भी होगा निश्चित रूप से तो स्थिति दूसरे व्यक्ति की भी है क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि वो केवल आप केवल उनको अटेंशन दें क्योंकि उनको आपसे राग है और आपके और उनके राग के बीच में जब कोई तीसरा आता है योग दर्शन का पाठ आता है तो निश्चित रूप से उनको द्वेष होगा तो उस समय बस यही सोच करके हम सहज रह सकते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये स्वाभाविक सा ही है स्वाभाविक है नहीं वास्तव में इसका स्वाभाविक रूप नहीं है हटाया जा सकता है स्वाभाविक चीज वो होती है जिसको कभी ना हटाया जा सके लेकिन ये तो ऐसे हैं राग द्वेष आदि तो ये हटाए जा सकते हैं तो क्योंकि आप उनसे एक कदम आगे चल रही हैं तो इसलिए जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है कि आप उनको संभालें उनको संभालने का क्या अभिप्राय है क्या आप इन सब को छोड़ के और उनके कथनानुसार करें ऐसा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रही हूं उनको संभालने का अभिप्राय है कि आप अपनी चेतना को और ज्यादा विराट करें आप उनको पहले से भी ज्यादा अटेंशन दें जब वो आपके प्रति द्वेष करते हैं तो आप और अपना विराट रूप दिखाएं जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं ना कई बार बच्चे ठीक से आचरण नहीं करते हैं तो फिर भी माँ कहती है कि भाई मैं तो तेरी माँ हूं इसलिए तू जैसा भी आचरण करे तो मैं तो तुझे सहन करूंगी मैं तो तुझे संभाल के ही रखूंगी संभालती भी ऐसा बोलती भी नहीं है तो योगी जैसे जैसे योग की यात्रा में आगे बढ़ रहा है योगी या योगिनी तो उसको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं योग की यात्रा में बढ़ रही हूं और ये छोटे छोटे परीक्षाएं हैं ये फिर आप जितने आगे बढ़ेंगे तो बड़ी परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी तो उसके लिए साधक को पहले से ही अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि ये जो रास्ता है एक सीमा तक इसमें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी उसके बाद उसके पार हो जाएंगे ना कोई परीक्षा लेगा ना देनी पड़ेगी क्योंकि स्थूल जगत में भी हमें परीक्षाएं कब तक देनी पड़ती हैं जब तक हमें डिग्री चाहिए किसी को ग्रेजुएशन चाहिए तो बी ए तक ही देनी पड़ेगी उसके बाद नहीं देनी है किसी को मास्टर की डिग्री चाहिए तो एम ए तक परीक्षा देनी पड़ेगी डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए तो वहां तक देनी पड़ेगी उसके बाद तो नहीं देनी पड़ती है तो ऐसे इस आध्यात्मिक जीवन में भी प्रारंभ में तो थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा अगर कुछ भी सहन ना करें और इतने सहज हमें आध्यात्मिक चीजें मिल जाए तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये अच्छा है हमारे लिए कम से कम साधक की दृष्टि से क्योंकि साधक कभी भी इन राग द्वेष या तंग करने वाली जो चीजें हैं उनके बंधन में नहीं आता है वो तो हमेशा अपने प्रभु के वंदन में रहता है एक शब्द बंधन एक है वंदन वो वंदना करता रहता है अपने गुरु की अपने आराध्य की अपने देवता की भगवान की जो भी उसका आराध्य है कि आप मुझे और शक्ति दो ताकि मैं इनको कष्ट नहीं देना चाहती साधक देता ही नहीं है किसी को भी कष्ट नहीं देता है साधक तो क्योंकि वो तो स्वयं ही और आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अज्ञान के कारण दूसरे लोग उससे कष्ट मानने लग जाते हैं लेकिन तो भी साधक को इस चीज से विचलित नहीं होना है तो उसको अपनी साधना दिखानी है दूसरे को कि मैं साधी का हूं मैं योग मार्ग की पथिक हूँ इसलिए आपके सताने पर भी तंग करने पर भी मैं तंग नहीं होंगी और आपके प्रति थोड़ी भी कोई द्वेष भावना नहीं रखूंगी अपने चित्त को संभालना है साधक को कि जब वो मेरे को ना पसंद करते हैं मिसबिहेव करते हैं उस समय मेरे चित्त में उनके प्रति कौन सी भावना आती है अगर मेरे चित्त में भी बराबर की भावना आ रही है तो फिर ये माना जाएगा कि अभी साधना में गति नहीं हो रही है और यदि हम उसके बदले में या तो स्थिर रहते हैं विचलित नहीं होते हैं और या तो उनके प्रति भी अच्छा सोचने लग जाते हैं तो समझ लो कि काफी उन्नति हो रही है ये तो कठिन है लेकिन जितना कठिन है उसका स्वाद उतना ही मधुर है बहुत मीठा है बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है अपने आप में तो हमें बस इसकी ही प्रैक्टिस करनी इसी का अभ्यास करना है लेकिन आप सूक्ष्म चीज को पकड़ पाती हैं ये अच्छी बात है मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जी जी आरती प्रणाम बहन दीदी मेरे मन में बहुत दिनों से प्रश्न है जब भी आध्यात्मिक उपदेश सुनते हैं तो बोलते हैं अपना चित्त ब्रह्म के ओर लेके जाना जब हर व्यक्ति ब्रह्म के ओर अपना चित्त लगाएगा जब तक संसार में द्वेष है तब तक तो व्यक्ति अपना कर्तव्य सही करते है। अगर उसका चित्त ब्रह्म में लग जाएगा तो संसारी काम कैसे करेगा उसको वो कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा अगर महागुरु भी करती है तो उसको पता चलता है कर तो संसारी में आ आप ये बताओ कि परम पूज्य गुरुदेव बिना राग द्वेष के इतने करोड़ों बच्चों को पाल रहे हैं तो बाधा आ रही है क्या कहीं दीदी लेकिन वो संसारी व्यक्ति नहीं है सन्यासी व्यक्ति है ना अच्छा संसारी किसको को कह रहे हो आप जिसकी शादी हो गई संसारी तो फिर ये आपकी परिभाषा ठीक नहीं है संसारी तो वो होता है जो संसार में रह करके कार्य करता है व्यवहार करता है आचरण करता है उसी को तो संसारी कहेंगे संसार में रहे वो संसारी तो साधु संत साधु संत साधु संत नहीं शादी हुई वो तो शादी सुधा कहा जाएगा संसार में रहने वाला वो हर व्यक्ति संसारी तो संसारी तो साधु संत भी हैं वो संसार से अलग कहीं आसमान में तो नहीं रहते हैं लेकिन संस नहीं शादीशुदा लोगों के बारे में फिर संसारी मत कहो ना नहीं, नहीं, नहीं। तो शादीशुदा के लिए भी वही बात है शादीशुदा लोग तो श्री कृष्ण भी थे श्री राम भी थे भगवान शिव भी थे शादीशुदा तो तो वो राग द्वेष से मुक्त हुए कि नहीं हुए उनका संसार चला या नहीं चला <laughs> तो हमें ऐसे लगता है कि यदि हम राग द्वेष नहीं रखेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे मैं कहती हूँ जब तक राग द्वेष रखेंगे तब तक आप अपने कर्तव्यों का ठीक पालन कर ही नहीं सकते हैं कर्तव्यों का ठीक पालन जिसको ठीक कहेंगे जिसको उचित कह रहे हैं वो कर्तव्यों का पालन होगा ही तब जब आप राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे तो तब बहुत आनंद आएगा तभी आप ठीक ठीक अपने कर्तव्य को पहचान पाएंगे और आप उतना ही जुड़ेंगे जहां तक आपका वहां तक जुड़ना आपका कर्तव्य है आप बच्चों को और ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे उस समय क्योंकि आपके पास राग द्वेश में जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो तो रुक जाएगी आपके पास उसका स्टॉक हो जाएगा क्योंकि देखो संसार या कर्तव्य ये राग द्वेश से नहीं चलते हैं रागद्वेश से तो उनमें बाधा आती है ये ऋषि यही तो बता रहे हैं हम हमारे को कि ये सब बाधाएं हैं एक आत्मवेत्ता व्यक्ति आप ये बताओ कि घर का जो काम काज है झाड़ू पोछा आदि तो जब आप बीमार थी तब ज्यादा अच्छे से करती थी या अब स्वस्थ हो गई तब ज्यादा अच्छे से करती हो आप ही बताओ स्वस्थ हो गई तो अभी आप स्वस्थ हो गई तो देखो घर का भी काम कर लेती हो और बाहर की भी कितनी सेवा कर लेती हो और आप यूं कहो कि जी बीमार स्वस्थ हो जाएंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे तो ये प्रश्न नहीं बनता है स्वस्थ व्यक्ति ही ज्यादा सेवा कर सकता है वो अपने घर की भी सेवा कर सकता है बाहर वालों की भी सेवा कर सकता है लेकिन जो बेचारा रोगी है वो तो खुद की भी सेवा नहीं कर सकता है घर की तो बात ही छोड़ो और बाहर की तो कोसों दूर है तो बिल्कुल ये ही स्थिति हमारे चित्त की भी है राग द्वेष आदि हमारे चित्त के रोग हैं बीमारियां हैं ये अच्छी चीजें नहीं है हमारे लिए तो जब तक हमारा चित्त बीमार है तब तक तो हम अपनी भी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे अपनी मतलब आत्मा की तो बेटे बेटियों की या रिश्ते नाते निभाएं अच्छे से ये तो बात दूर है और संसार में कोई बड़ा काम करें वो उससे भी ज्यादा दूर है और जैसे ही व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है ये राग द्वेष से मुक्त होना ये विचार से नहीं होगा कभी भी विचार से अभ्यास किया जा सकता है क्योंकि बार बार हमने ये विचार कर करके ये मेरा है ये पराया है ये मेरा घर है ये दूसरे का घर है ये मेरे बच्चे दूसरे के बच्चे ऐसा ठीक है संसार की एक व्यवस्था है लेकिन बार बार जब ये चिंतन करके आपने पार्टीशन कर लिया अपने मन में बिल्कुल बिठा लिया अगर वो आपके ही बच्चे हैं तो मृत्यु होने पर आपके साथ ही क्यों नहीं जाते हैं जो अपना है वो तो साथ जाता है ना अगर ये शरीर अपना ही है तो मृत्यु के समय भी ये साथ क्यों नहीं जाता है ये तो साथ छूट जाता है तो जो हमारे से छूट जाएगा कभी भी वो अपना हो ही नहीं सकता वो तो हमने मान लिया केवल तो जब हमने इतने छोटे से को अपना मान लिया तो विचार करके हम बड़े को भी तो अपना मान सकते हैं अब देखो ना आप पहले केवल अपने घर को अपना मानती थी फिर जब आपको जिस गुरु की विद्या से स्वास्थ्य मिल गया और जिस गुरु के शब्द आपको अच्छे लगते हैं तो आपने उनको भी अपना मान लिया भाई उनसे तो कोई खून का रिश्ता तो नहीं है कोई प्रांत का रिश्ता भी नहीं है कोई दूर दूर का है ना लेकिन अब वो इतने अपने लगने लग गए कि लगता है सबसे ज्यादा नजदीक वो ही है फिर उनके साथ जो लोग जुड़े थे जैसे मैं आपके सामने बैठी हूं और इतने भाई बहन संगठन में जुड़े हैं वो भी अपने लगने लग गए अब सब राज्य प्रभारी ऐसे लगती हैं आपको कि जैसे वो आपकी सगी बहन है तो ये कैसे हुआ ये चिंतन करने से ही हुआ विचार से ही हुआ कि ये मेरा है और इसके साथ जुड़े हैं ये लोग भी मेरे हैं उनके प्रति प्रीति हो गई है, तो ये सब माना हुआ जब एक चिंतन करने से हम कट हो सकते हैं तो दूसरा चिंतन करके हम सब को अपना भी मान सकते हैं और जिस जिस को हम अपना मानेंगे फिर हम उसके लिए जवाबदेही हो जाते हैं तो वो संसार और ज्यादा अच्छे से चल सकता है जितना जितना हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है हम विराट होते चले जाते हैं उतना उतना हम भगवान के नजदीक होते चले जाते हैं और दूसरी बात यह है कि संसार और ब्रह्म दोनों अलग नहीं हैं। हमने ये मान लिया ब्रह्म अलग और संसार अलग ये संसार उस ब्रह्म का ही रूप है ये उसका सगुण साकार रूप है और एक उसका निर्गुण निराकार रूप भी है इसके पीछे छिपा हुआ है जो जो हमें इन चरम दिखाई नहीं देता है लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों से वो भी दिखाई देता है जो योगी जनों को उनके हृदय में दर्शन होता है तो कभी भी हम ये ना माने कि संसार का काम काज करना ये ब्रह्म से दूर होना है और पूजा पाठ और केवल ध्यान करते रहना ये ब्रह्म के नजदीक होना है ऐसा नहीं है ये तो ऐसा ही है जैसे हमारा ये स्थूल जीवन जीने के लिए चार छह घंटे की नींद जरूरी है हमारे लिए तो हम रोज सोते हैं ना हम ये तो नहीं बोलते कि भाई छह घंटा सोएंगे तो हम संसार कब चलाएंगे इस छह घंटे में तो हम अपना काम करेंगे ना ये किसी के भी मन में नहीं आता है दुनिया का हर व्यक्ति आराम से रात को सो जाता है उसको ये समझ में आ गया कि मैं रात को यदि नहीं सोऊंगा तो मेरा शरीर चलेगा कैसे तो शरीर को चलाने के लिए रात को सोना अनिवार्य है इसी प्रकार से अपने अंदर के संसार को चलाने के लिए जो हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व है अस्तित्व है मन है बुद्धि है चित्त है अहंकार है प्राण है आत्मा है तो उनको भी तो उनकी खुराक देनी पड़ेगी ना नहीं तो वो कैसे चलेंगे वो रोगी हो जाएंगे तो उनकी खुराक है ध्यान स्वाध्याय भजन शांति सेवा समता ये सब उसकी खुराक है इसलिए वो दो घंटे ध्यान करना भजन करना वो संसार के कार्य में बाधक नहीं है वो संसार के कार्य में साधक है क्योंकि जैसे जितना व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा स्वस्थ होगा पावन होगा तरंगित होगा उतना ही तो वो ज्यादा काम कर पाएगा बच्चे बच्चों के अंदर अचीव करने की पावर ज्यादा होती है ये आपने भी देखा होगा ना और बड़े व्यक्ति ऐसे बोल भी देते हैं भाई अब हम तो बड़े हो गए अब हम कैसे सीखेंगे और बच्चे तो फटाफट एक एक विद्या के साथ साथ पांच पांच विद्याएं पढ़ लेते हैं कितना उनको स्मरण हो जाता है तो क्यों ऐसे क्यों होता है उनके भी तो वही दो हाथ पैर चित्त चेतना ग्यारह इंद्रियां प्राण मन सब कुछ वही तो है जैसा हमारा है वो इसलिए कर पाते हैं कि अभी उन्होंने अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया है अभी उनके पास बहुत सारी एनर्जी है इसलिए वो इंग्लिश भी सीख लेते हैं कन्नडा भी सीख लेते हैं हिंदी भी सीख लेते हैं बंगाली भी तमिल तेलुगु कई कई भाषाएं सीख लेते हैं जैसे हम अपने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में देखते हैं बच्चों को पांच पांच दस दस बीस बीस शास्त्र स्मरण हो जाते हैं और बड़े आदमी को मैं कहूँ कि आपको कल योग दर्शन याद करके लाना है तो बुलझी याद करने की बात मत कहो बस आप अच्छी अच्छी बात सुनाती रहा करो ये टॉनिक जैसे लगती हैं मैं कहती हूं कि आपकी परीक्षा भी होगी जो ये पाठ पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके लिए परीक्षा भी देनी होगी बोल जी परीक्षा मतलब आप बेशक सर्टिफिकेट मत देना पर परीक्षा मत लो हमारी तो ऐसा क्यों क्योंकि हम अपनी एनर्जीज को राग द्वेष आदि दोषों में वेस्ट करते रहते हैं तो एनर्जी कम पड़ जाती है हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी हम यदि राग द्वेष नहीं रखेंगे तो हमारा संसार चलेगा कैसे हम 24 घंटे यदि ध्यान में ही बैठे रहेंगे 24 घंटे ध्यान में बैठ तो नहीं सकते लेकिन 24 घंटे जो भी काम करेंगे वो काम ध्यानपूर्वक कर सकते हैं आप, आप ध्यान पूर्वक खाना बना सकती हैं आप ध्यान पूर्वक स्नान कर सकती हैं आप ध्यान पूर्वक बर्तन साफ कर सकती हैं आप ध्यान पूर्वक कोई भी सेवा कर सकती हैं, योग शिविर ले सकती हैं। ध्यान पूर्वक का मतलब यह होता है मैं अलग हूं शरीर अलग है मैं एक चेतनात्मा हूं क्योंकि बड़ी बाधा यही तो है अभी इससे पहले जो रश्मि जी भी प्रश्न पूछ रही थी चार चीजें हैं हम जैसे ये नौ अंतराय हमने बताए कि ये नौ बाधाएं हैं ये केवल नौ नहीं है बहुत सारी बाधाएं हैं व्यक्ति के अंदर जैसे कल मैंने बताया था एक वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति आज के लिए मैं शब्द बता रही हूं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है प्रिय व्यक्ति का वियोग और अप्रिय वस्तु या व्यक्ति का संयोग यह भी हमारे दुख का कारण है प्रिय व्यक्ति को या वस्तु को या विचार को हम पकड़ना चाहते हैं कि वो हमारे पास रहना चाहिए और सब भी उसकी इज्जत करें और अप्रिय वस्तु को अप्रिय व्यक्ति को अप्रिय विचार को हम हटाना चाहते हैं ये सारे मत पंथ संप्रदायों के झगड़े क्यों होते हैं जिस व्यक्ति को जो संप्रदाय पसंद है वो कहता है उसके अलावा संसार में और कोई दूसरा बात ही ना करे इसलिए वो दूसरे संप्रदाय वाले से झगड़ा भी करता है कहीं दूसरे संप्रदाय वाले कोई जलूस निकाल रहे हो तो उनके ऊपर पत्थर भी फेंकता है वहां कुछ भी षड्यंत्र करता है वो अब ये जो जलूस निकालने वाले हैं इन्होंने इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जानते भी नहीं है फिर भी पत्थर क्यों फेंक रहा है केवल मात्र इसलिए कि ये व्यक्ति मेरे विचार वाला नहीं है तो इस व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरा ही विचार ठीक है ये जो ममत्व का भाव आ गया इसके अंदर ये वास्तव में तो दुख देने वाला कारण बनता है ममत्व माने मेरा एक व्यक्ति की गाय भागी जा रही थी और उसका मालिक है वो उसके पीछे पीछे जा रहा था उसको पकड़ने के लिए और दो साधु संत उधर से गुजर रहे थे तो एक साधु ने दूसरे साधु से पूछा कि ये व्यक्ति गाय के पीछे दौड़ रहा है या गाय व्यक्ति के पीछे लगी हुई है तो पहले वाले साधु ने बोला कि ये गाय के पीछे नहीं दौड़ रहा ये ममत्व के पीछे दौड़ रहा है ममत्व माने मेरापन मेरापन के पीछे दौड़ रहा है गाय तो और भी खड़ी थी कई रास्ते में अगर गाय के पीछे दौड़ता तो उनमें से किसी को भी पकड़ के ले आता लेकिन वो इसलिए दौड़ रहा है उसके पीछे क्योंकि ये गाय मेरी नहीं है और वो गाय मेरी है तो हमें ममत्व बांधता है ममत्व का नाम ही राग है ये मेरा विचार है ये मेरा नहीं है ये मेरा संप्रदाय है ये मेरा नहीं है ये मेरा गुरु है ये मेरा नहीं है तो एक के प्रति ममत्व होगा राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष भी जरूर होगा तो मूल बाधा हमारी ये ही है और यदि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मैं अलग हूं बिल्कुल और ये अलग है तो अपने शरीर से भी फिर वो अलग हो जाएगा मैं अलग शरीर अलग क्यों शरीर अलग क्यों है क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग और मेरी प्रकृति अलग मेरा रूप चेतन और शरीर का रूप है जड़ तो जड़ और चेतन एक कैसे हो सकते हैं अलग अलग है